सभी दर्शकों को ऋषि पालदून का नमस्कार। दोस्तों, हमने पहली वीडियो में बताया और दूसरी में बताता हूँ, अभी भारत में पूरा दौर चला हुआ है बाहर जाने का। अब बाहर जाओ, जो बेरोज़गारी है वो भी मिटेगी, और कुछ का तो ऐसी सोच है कि अपना घर ही वहाँ बस जाएगा, लेकिन घर बसता है कि ना बसता है, किस तरह सेटिंग होती है वो तो वहाँ जाने पे पता चलती है, और क्या क्या मुसीबतें आती हैं। हमारे साथ जो भाई साहब बैठे हैं, इनके आपके भतीजे थे, भतीजे, इनके भतीजे गए थे, क्या नाम था? मलकीत। मलकीत गए थे, कहाँ गए थे? अमेरिका के लिए। अमेरिका के लिए गए थे, और वो भगवान की कुछ ऐसी मेहर थी कि वापस नहीं आ सके। पूरी विस्तार से तो ये भाई साहब बताएंगे। भाई साहब, राम राम। राम राम। पहले तो अपना नाम बता दो जी। मेरा नाम सत्यवान है जी। सत्यवान जी, आपका भतीजा अमेरिका में गया था। हाँ जी। तो एजेंट के थ्रू गया था? एजेंट के थ्रू गया था। कितने पैसे लगे? 40 लाख में होया था जी। 40 लाख में तो हुई थी एजेंट से। एजेंट से अमेरिका के लिए। हाँ जी। और ये कब गया था भाइयों? ये 17 यहाँ से 16 फरवरी को गया था, 17 फरवरी को उसकी फ्लाइट थी। तो दिल्ली से? हाँ जी, दिल्ली से। दिल्ली से बैठे थे वो? हाँ जी। वो वहाँ सीधे अमेरिका गए? नहीं जी, और वो कई जगह हैं उतारते। अच्छा, रास्ते रुक के गए हैं जी। हाँ जी। तो आपने क्या पता वे रास्ते में रुके हैं कि नहीं? आपको वो फोन करता रहा? फोन करता रहा जी, हमारे फोन करता रहा। हाँ जी। तो जब जैसे वो अमेरिका में गया पहुंचे? नहीं जी, अमेरिका में तो पहुँच नहीं पाए, उससे पहले ही ये सिस्टम जंगलों का जहाँ बॉर्डर क्रॉस करा दे। कौन सा बॉर्डर था, किस देश का? ये पता है, गुवाहाटी सलवाडोर और ग्वाटेमाला वाला बॉर्डर था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ क्रॉस बॉर्डर क्रॉस कर दिया ने। हाँ जी, हाँ जी। अपना उस टाइम उसको वहाँ बॉर्डर क्रॉस करा, उस टाइम वहाँ गोली चली है। गोली चलने में वो उसको गोली लगी है। अच्छा, गोली लगी। हाँ, हमारे को एजेंट के अंदर आया, हमें पता लग गया किसी वीडियो उसी ग्रुप में 12 बंदे थे। हाँ जी। उसी ग्रुप से पता लग गया वहाँ से, भाई न्यून्यू एक बंदा का न्यून्यू हुई है या फायरिंग हुई है। अच्छा, एक बंदे की फायरिंग हुई? फायरिंग हुई है भाई। हमें 10 बंदे एक साइड में गए हैं, 2 बंदे एक साइड में गए हैं। अच्छा। एक बंदा गए तो छरे छुरे बाजू में लगे हैं, और एक गोली लगी है। तो वो गोली मारने वाले वहाँ के बदमाश थे? पता नहीं जी, वहाँ के डॉक्टर थे या कौन थे, इसके पता नहीं इस बात जो एजेंट है, इसकी मिली बग है क्या है, इस बात का तो एजेंट का नहीं पता है। अच्छा जी। भाई के कारण है, किस कारण हो यही, एजेंट ने उनके पैसे रोक रखे हैं या के कर रखा हो, तो यो एजेंट ने पता इस चीज़। तो ये भाई पढ़ाई के नाम से गया या कोई सर्विस के नाम से गया यहाँ से? यहाँ से तो जी वो एक नंबर में कह के, एक नंबर डोंकी को नहीं, डोंकी का डोंकी हमने तो बगैर डोंकी के टोरा था। एक मिनट, ये डोंकी कोई अमेरिका का हिस्सा है, कोई स्टेट है ये? नहीं जी, ये नाम है। नाम है जी, ये डोंकी तो जी पैदल का नाम है जी, जो मतलब पैदल जाओ उसको डोंकी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ। आप पैदल बोल जाओ वो डोंकी बोलते हैं। हाँ, वो जंगल जुंगला में कोई इसी जगह काट है जी। अच्छा। अपना तो पैसे का सौदा ये था जी, भाई हमें तो ऊपर वाली डोंकी गाड़ी से ले जाए या जहाज से ले जा, हमारे से तो ये सौदा होया था। लेकिन उसने बाद में पैसे का लालच में आ गए इस एजेंट ने, उसको कहीं जंगलों में उतारे हैं, कहीं कहीं तारे हैं, कहीं पैरे, कहीं वैसे वो इस तय कर रहे जी, तो पैसे बचाने के मारे। तो आपका जो बेटा था वो यहाँ से अकेला गया था, और भी था कोई आसपास का? यहाँ से जी एक तो इसकोयल के हैं जी, समैन का है। अच्छा, नरवाना के पास से है। अच्छा, अच्छा। तो फ्रांस वाला के कई है, 10-12 जन है। जैसे आपने उनके पास पता करा, उनके माँ बाप से भी तुम्हारा बेटा सुरक्षित है? उनसे पता करा था जी, मतलब मेरी इच्छा है तारा लग तो बात हुई है राजू के, उसके मलकीत के साथ। हाँ, राजू मतलब की उसका भाई की छोटा की। हाँ, फोन ले रहा था। हाँ, अच्छा है तारा, छः मार्च लग तो रोजाना बात करता रहा। हाँ जी। उसकी कैद बोल दिया था भाई 6 मार्च के बाद 2-4 दिन हमें बॉर्डर क्रॉस करांगे, हो सकता हमारा संपर्क ना हुआ है तो चिंता ना करियो, क्योंकि क्यों एजेंट बॉर्डर क्रॉस जो बंदे कराएंगे नहीं भाई, फोन बंद करा दे हैं या इंटरनेट जो भी है भाई, 2-3 दिन नहीं आवे तो सोचना करियो। अच्छा जी। तो सोच लिया भाई ठीक है, जब नाइट में तो बच्चा सुरक्षित। हाँ, नाइट ना बात हो ली जब तो अपना हमने 5-6 दिन लग बाट देखी। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद हम अंदेशा हो गया, अंदेशा ये हो गया कि
किसी के पास गांव में एक बंदा के पास उसका थोड़ा रिकॉर्ड आ गया तो उसने आके कह दिया, तो हम हमारे पास वो बात हुई उससे ले भाई यहाँ गोली चली है, तो हमने एजेंट से बात करी, एजेंट बोले नहीं वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, पटाखे हैं या वाह अंदर वह हाँ टाल मटोल कर दिया। हाँ जी हाँ जी। तो हमें फिर लड़का उसका भाई के साथ हुई छोटा के साथ बात है, फिर लड़का यू मलकी तो बोलिया चलो हमें दो चार जने उसका एजेंट तो मिले, पाँच सात जने हाँ जी भाई मिलका होंगे, फोन भी उठाने बंद कर गया और भाई जनो बस आगे आगे ट्रक के अंदर है फोन अब मतलब आपसे बात कर रही है नहीं उसने। हाँ ढंग सर। फिर हमें उसके पास गए आठ सात जने पंचायती तौर पर गए, हमें सरपंच साहब भी थे हमारे साथ में, हाँ जी, हाँ जी। एक दूसरा भाई भी था उसका, एक मैं भी था, एक मेरा पार्षद भी था। तो उसने यह बात दुरंधर है भाई, तमें तो उल्टे ब्लेम लड़के यहाँ पे लगा अंदर है, पता हमने पता है तर ये साजिश है, तमने जान के यहाँ से निकाला है तर ये गल उस गलत बात हुआ है, मतलब उल्टे ब्लेम लगा अंदर है। उल्टी तो मत लगा। हाँ उल्टी तो मैंने एक बात बता, हमने पैसे दिए हैं भेजा तमने है काम ने है, तो उस भाई तारी मिली बग है इस करके वो मार है भाई। तो हमारे सरपंच साहब ने भी ये कहा अगर भाई बच्चा में मारा मैं कि मैं मिली बग कुछ भी पै जाए तो मैं एक करोड़ या कोई से गांव में जाम ले ले, मैं पंचायत का मुखिया हूँ। तो अभी आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी उसके खिलाफ? कराई है जी, फिर रिपोर्ट तो कराई है जी, फिर लेकिन सारा प्रशासन कार्रवाई कुछ नहीं कर रहा, सुनाई नहीं हो रही, सुनाई नहीं हो रही। आप एसपी का पेश हो? मिले थे जी हम 30 तारीख 31 तारीख को एसपी का गए हैं जी। हाँ जी हमें पता लगने के बाद 31 तारीख परसों गए थे, एक 31 थे हैं और 2 तारीख हुए जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ 31 तारीख ना हमें एसपी का पेश हो जी 1:30-2 बजे के आसपास, उसने हमारे को पूरा आश्वासन दिया। तो भाई मैंने फोन कर दिया, उनकी फोन कर दिया SHO दौरा करे या DSP दौरा करे, तो हमें वहाँ FIR परसों करवाया का है। और फिर कल भी जो डॉक्यूमेंट्स हमारे मामले पे मांगे पुलिस महकमा ने हमने हमें सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाए दिए, करवा दी। एक बात बताओ भाई, फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, और वो हाँ वो जो एजेंट है नहीं वहाँ शहर के अंदर खुला घूम रहा है। अच्छा आप ही बताओ, आपको ये कैसे पता चला आखिर में तुम्हारा बेटा इस तरह खत्म हो गया? इसका जी मारे को 30 तारीख न मार्च 30 न कहीं से गुम दिखे दी वीडियो आएगी जी। तो वीडियो एक तो वहाँ से भेजी किसी ने कर दी। हाँ जी वाइस उसका ऐसे है जी, लड़कियाँ की 7 तारीख ने में निकल गई जी। हाँ और 7 तारीख ने उसकी गोली लग जी 2 बजे उधर मुकर, 2 बजे गोली। 2 दिन के बाद जो दूसरी टोली आई डोंकर लेकर दूसरी पार्टी की उनकी फोटो पा रही है जी। उन्ती। अच्छा अगवाई है भाई इंडिया का? हाँ इंडिया का, को पंजाब पंजाब के बंदे थे भाई। उसमें फोटो पंजाब में भेज दो जोन भी होगा नहीं वो उनती वहाँ भेजी उसके बाद इंग्लैंड। मोबाइल पे वीडियो देखी? हाँ जी मोबाइल पे। हाँ पहचान करिए जी उसमें फिर अपने तो 30 तारीख को जेट पीछे मांगे 2.5 लाख रुपए दो और मैं वकील करके छटाऊंगा था ना लड़का। अच्छा और भी लूटने की सोच रहा है? हाँ जी 7 तारीख से अजट तो जी सारा प्रशासन ने पैसे दे के उसकी फेवर में कटे। देखो भाई ये जो यदि एजेंट हमारा सामाजिक होता तो 7 तारीख ने 10 आदमी ने लेकर हमारे पास आना था। हाँ जी, हाँ। जी अपना हाथ सो गया भाई। हाँ जी और हाथ सो भी सकता है जी कोई सी बात नहीं। हाँ, प्रदेश का काम सा। लेकिन दूसरा लड़का तो दो, दूसरा लड़का ने भेज दूंगा मैं को तो जी 7 तारीख ने पता लग लिया भाई बच्चा के साथ ऐसे ऐसे हो गया, हादसा हो गया। वहाँ से हमारे को जो आईडियो आई उस ग्रुप पे ये डालिया भाई जो आईडियो तुमने ये डाली है ना भाई बच्चा की इंक्वायरी कर लो। हाँ इसके एजेंट पे दबाव डाल गए तो उसने एजेंट ने उसी ग्रुप के बच्चों पे पूरा दबाव देकर ना वापसी ये कह दिया भाई ये तो गलत से कह दिया था मैंने यही बात सर नहीं होया वापसी उसने एजेंट ने उस ग्रुप में तो लड़का पे जो उसने कवाई थी वापसी कवा दिया। उसके बाद हमारी उन ग्रुप से बातें नहीं होती एजेंट ने तो एजेंट ने तो पता था वो हमारे को इस करके गुमराह कर रहा था जब तक। देखिए उस भाई के साथ जो घटना घटी इनके चाचा जी ने हमारे से विस्तार से बताया है, फिर दोबारा बताता हूँ भाई साहब बिल्कुल सावधानी से रहियो, किसी की भकाई में ना आइयो, यहाँ कमा लियो, यहाँ हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, यहाँ भी काम बहुत हैं, थोड़ा कमा लियो पर किसी की भकाई में ना आइयो, यही आपको संदेश दे रहे हैं भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम राम।